Yeah.
इसके बाद ठाकुर जी के लिए फूल, तुलसी, पासद आदि उपकरण एकत्र करें। इसके पश्चात मंदिर की सफाई, झाड़ू पोछा आदि स्वयं करें। अब ठाकुर जी के बाल भोग की तैयारी करें। इसके पश्चात ठाकुर जी को भोग लगाकर मंगला आरती करें। अब श्रृंगार आरती के लिए ठाकुर जी को स्नान आदि कराकर पोशाक एवं आभूषण आदि धारण कराकर श्रृंगार भोग लगाकर श्रृंगार आरती करें। ये स्वामी बता रहे हैं, बाकी जैसे अपनी आचार्य परंपरा से गुरु जी ने जैसी जैसी आज्ञा दी है उसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। अब कह रहे हैं, अब गुरु जी द्वारा प्रदत्त मंत्र राज का जप करें, कुछ पाठ आदि भी करें। अब राजभोग की तैयारी के लिए रसोई की तैयारी में लग जाएं। राजभोग ठाकुर जी को लगाकर राजभोग आरती करें, ठाकुर जी को फिर विश्राम कराएं, स्वयं प्रसाद पाकर कुछ समय कुछ काल विश्राम करें। अब दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक बाजार का कार्य करें, ठाकुर जी के लिए अमनिया लेके आना, वो 1 से 4 बजे तक कार्य करें। और ठाकुर जी के लिए क्या पोशाक लाना है, क्या सामान घट गया है, कुछ कमी रह गई है, या मुकुट लाना है, श्रृंगार लाना है, या दर्जी के पास जाना है, या कुछ ठाकुर जी के लिए गद्दे के लिए कुछ रुई आदि लानी है, अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। बहुत से वैष्णव लोग ताली ताली सब्जी ठाकुर जी के लिए क्या है नृत्य। उसके पश्चात कहते हैं, ठाकुर जी के भोग के लिए कौन सा पदार्थ उत्तम रहेगा, ये बात विशेष ध्यान में रखें, रख के तब बाजार का कार्य करें। उससे क्या होगा, चिंतन निरंतर ठाकुर जी का बना रहेगा और सारा खेल चिंतन का है। चिंतन यदि अच्छा बने लग जाएगा ठाकुर संबंधी ठाकुर की याद तो भजन ही है। 4 बजे शाम को ठाकुर जी का उत्थापन करें और ठाकुर जी को कुछ कथा सुनावे बैठ के, रामायण भागवत भक्तमाल आदि। ठाकुर जी को बहुत प्रिय, आप जानते हैं कथा सुनना, तो उत्थापन करके आधा घंटा घंटा भर ठाकुर जी को कथा सुनावे। इसके पश्चात कुछ नित्य का पाठ स्वीकार कर लें, जो आज्ञा दी हो गुरु जी ने आचार्य ने, उसका पाठ करें, कुछ समय नाम कीर्तन करें। अब शयन भोग की तैयारी करें। शयन भोग अपने हाथों से ऋतु के अनुसार जैसी ठाकुर जी को रुचिकर भोग लगाएं। उसके बाद शयन आरती करें, ठाकुर जी को शयन कराएं और उसके बाद ठाकुर जी की पोशाक आभूषण आदि को यथा स्थान संभाल कर रखें, जिससे सुबह मंगला आरती करने में श्रृंगार आरती करने में एक एक सामान को खोजना ना पड़े। बहुत से होते हैं, अरे एक कुंड तो दिख रहा है, एक कुंड पानी मार दिया, अब खोजते रहो, खोजोगे समय समय व्यर्थ जाएगा। तो यथा स्थान सबका स्थान नियत रखें, ये तो जीवन में रखना ही चाहिए,
कोई भी सामान रखें सबका स्थान नियत हो, जिससे कि समय की बचत बहुत होती है। नहीं तो एक चीज को खोजने लगे तो लग गया 15 मिनट पता नहीं कहाँ रखा। ये एक स्थान पर रखा है तुरंत याद आ जाएगी कि हाँ हम कंघा और शीशा यहाँ पर रखते हैं, तो तुरंत वहां हो जाए। या तिलक हमारा यहाँ रखा है तो तुरंत तिलक निकालेंगे और स्वरूप कर लेंगे। जीवन में अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते वहां तक पहुंचना है तो अनुशासन से आओ, अनुशासन से ना आओगे तो विलंब लगेगा पहुंचने में। ग्यारह बजे से 2 बजे पर्यंत या 10 से 2:30 इतना सहन करें। आश्रम या मंदिर में लज्जा त्याग कर सेवा करें। मन में आता है हम झाड़ू लगा मंदिर में, ऐसा नहीं, लज्जा त्याग कर सेवा करें। आश्रम क्या है? बोले आश्रम वही है जहां आकर श्रम करो, वह आश्रम, ना कि वो आश्रम जाकर तो हम ट्रस्टी है आश्रम के, आश्रम जाने पर तो फिर हमारा काम चलेगा, हमारी खातिरदारी होगी, ऐसा नहीं। सेवा कैसी भी हो छोटी नहीं समझनी चाहिए, कोई सेवा छोटी नहीं होती। राज्याभिषेक के पश्चात ठाकुर जी ने सबको विदाई की। अंगद जी बोले प्रभु मुझे तो मेरे पिताजी ने मेरा हाथ पकड़कर आपके हाथ में सौंपा था, तो मुझे मत भेजिए, मैं आपकी नीची से नीची भी सेवा करने को तैयार हूं पर मुझे भेजिए मत। बस यही बात ठाकुर को खटक गई। ठाकुर ने कहा सेवा को नीची कहा? सेवा तो सौभाग्य से प्राप्त होती है। नीच टहल ग्रह के सब करी हम। भगवान बोले ठीक है आते जाते रहना मिलते रहना, अभी तुम जाओ। हनुमान जी को नहीं कहा तुम जाओ, क्यों? हनुमंत लाल जी सब सेवा करने के पश्चात भी हृदय में दीनता ही रहते हैं। इतना बड़ा कार्य करके आए लंका में श्री किशोरी जी का पता लगाकर आए और ठाकुर ने परीक्षा ली। वाह हनुमंत लाल जी तुमने कैसे प्रवेश किया उस लंका के अंदर जहां पर देवता भी घबराते हैं प्रवेश करने। आज के लोग देख रहे हैं मैं ऐसे गया ऐसे किया मैंने ऐसे मच्छर बन के घुसा उसमें ऐसे मैंने पराक्रम दिखाया। नंदलाल जी महाराज कहते हैं हृदय राख कोसल पुरलाया प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, शाखा मृग के यही प्रभुताई शाखा के शाखा पर जाए प्रभु मुझे पता बंदर के बंदर का बल कितना है, बस इस शाखा से उस शाखा तक कूद के चला जाए। ये सब जो कुछ हुआ है तब प्रताप रोजा है, ये सब कुछ प्रभु आपकी कृपा से हुआ है। बुद्धिमताम बहुत बुद्धि रखते हैं मंदलाल जी महाराज, ज्ञानी नाम करने में बोले क्यों? एक बार भी अगर कह देते हनुमान जी महाराज कि मैंने ऐसे किया तो जितने राक्षसों को मार के आए थे
सबका पाप लगता, जितने आग लगा के आए थे, कितने जीव मारे वाले थे, सब इन्हीं के ऊपर लगता। सीधे कह रहे हो आप जाने, आपकी कृपा से होगा, सब सब में पास हो गए कुछ दिन। मेरे में सामर्थ्य ना हो आप सब। और ठाकुर ने रोज तो चरणों में बैठते थे, उस दिन ठाकुर जी ने सरक के और बगल में जगह दी, बोले आओ बैठो, हनुमान जी महाराज का तो स्वभाव नीचे बैठे। तो कहते हैं सेवा कोई छोटी नहीं होती। वर्तमान जी में एक छोटी सी कथा आती है श्री खेमा रतन राठौर जी की। खेमा रतन राठौर जी राजस्थान के राजा थे, उनकी बड़ी अभिलाषा थी, दो अभिलाषा, बहुत बड़े भक्त थे खेमा रतन जी। अभिलाषा थी कि मैं सिर पे कलश रख के सरयू जी ठाकुर सेवा के लिए जल ले गया हूं, और पैरों में नूपुर बांध के और ठाकुर के सामने नाचूं। ये दो भाव। अब ये लगता कि मैं राजा, सिर पे अगर मैं घड़ा लेके जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये संकोच कर करके रह जाते। और एक दिन ऐसा हुआ, समय निकलता गया, अंतिम समय आ गया, दूसरा मन में भाव आता पैरों में नूपुर बांध के नाचूं, मैं नाचूंगा क्या कहेंगे लोग, राजा पर नाच रहा पैरों में नूपुर बांध के। अंतिम समय आ गया, सैया पर पड़े हैं पुत्र राम रैन जी, पौत्र किशोर सिंह जी, सबने घेरा हुआ है, प्राण नहीं निकल रहे हैं, अंतिम समय हो गया, चारों तरफ से घेर का, पिताजी आप इतने बड़े भक्त, आपने पूरे जीवन भगवान की भक्ति की, साधु सेवा की, सब कुछ किया, आपकी ये दशा मृत्यु के समय तो हमारा क्या होगा, क्या भक्ति का यही फल है। श्री खेमा रतन जी बोले, पुत्र मुझे शारीरिक कोई कष्ट नहीं है। फिर पिताजी बोले मानसिक कष्ट है। बोले क्या, मेरी दो इच्छा थी, दो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, इसलिए मन बहुत दुख। बोले क्या थी, बोले एक ठाकुर जी की सेवा के लिए सिर पे जल ले गया हूं भैरव के, और दूसरा ठाकुर के सामने नूपुर बांध के नाचूं, लेकिन मैं संकोच के कारण, लज्जा के कारण नहीं कर पाया। पुत्र ने, पुत्र ने कहा पिताजी अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपसे हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। तो उनके छोटे पुत्र थे, छोटे पौत्र था, इसका नाम किशोर सिंह, पास में पढ़ा था, उसने कहा दादाजी मैं सौगंध खा के कहता हूं जब तक जीवित रहूंगा ये दोनों सेवा मैं करूंगा, मैं रोज ठाकुर जी के लिए जल भर के लेके आऊंगा और रोज पैरों नूपुर बांध के ठाकुर के सामने नाचूंगा। इतना सुनते ही इतना चित्त गदगद हुआ उनका, और उनको पौत्र को छाती से लगाया, तू मेरा सच्चा स्नेही, तू सच्चा पौत्र है। अभिलाष उभय खेमाल का, नाभा जी इतने प्रसन्न हुए इस परिवार से, तीन छप्पे लिखे नाभा जी ने, खेमारतन जी का, उनके पुत्र राम रैन जी का, उनकी पत्नी का साथ में, और साथ में उनके पौत्र का, अभिलाष उभय, उभय माने दो, अभिलाष माने इच्छा, अभिलाष उभय खेमाल का, ते किशोर पु
पूरा किया। क्या पूरा किया? पायन नूपुर बांध नित्य नगद रहित नाच्यो। राम कलश मनरली शीश ताते नहीं बाच्यो। वाणी विमल उदार भक्ति महिमा विस्तारे। प्रेम पुण्य सुठिशील विनय संतन रुचिकारी। सृष्टि सराहे राम सुवर। संपूर्ण संसार उनकी प्रशंसा करता। धन्य पौत्र हो तो ऐसा। सृष्टि सराहे राम सुवर। लघु वयस लक्षण रज लिया। बोले आयु कैसी है? छोटी। लेकिन लक्षण, वो लक्षण ऐसा ग्रहण किया आचार्यों जैसा, जो आगे आने वाले पीढ़ी के लिए आदर्श बन जाए। अभिलाष भय हिमाल का ते किशोर पूरा किया। जैसे ये कहा उसको हृदय से लगाया और बोले अब मैं आराम से प्राण त्याग सकता हूं। और सहस मुस्कुराते हुए श्री राधेश श्याम को याद करते हुए प्राण छोड़ दिए। और किशोरदास जी ने, किशोर सिंह जी ने पूरे जीवन दोनों सेवा निभाई। ठाकुर बड़े प्रसन्न होते उनके नृत्य को देखते। नृत्य जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कलात्मक हो, कलाओं से युक्त हो। अरे ठाकुर, ठाकुर को बंदर नाचता वो भी पसंद आता है, पर एक ही बात है उनके लिए हो। हनुमंत लाल जी महाराज जब छोटे थे बंदर, तो राम जी को नाना प्रकार के नाच नृत्य करके दिखाते थे। भगवान शंकर लेके आए थे हनुमान जी महाराज को अयोध्या में नाच दिखाने के लिए। हाँ मेरा बंदर कैसे खेल दिखाएगा, तो वैसे खेल दिखा दे। बच्चों को बुला लेते शंकर जी, वो सारे बच्चे खेल के आ जाते सारे अयोध्या में। ओ बंदर का खेल, बंदर का खेल। बंदर आज भी आते हैं बंदर खेल दिखाने के लिए मदारी। हाँ नहीं नहीं बहू आएगी तो कैसे चलेगी? तो हनुमान जी महाराज बंदर रूप में एक छोटी सी चुनरी ओढ़ लेते, घूंघट कर लेते और चल के बताते। सारे बच्चे ताली बजाते। और हनुमान जी का स्वरूप शुरू से ही तपाए हुए सोने के समान। राम जी वहां पे आए महल के सामने, राम जी के महल के सामने, और वहीं पे बच्चों को बुला के खेल दिखाने लगे। तो दशरथ जी महाराज आए, राम जी, भरत जी, लखन जी, शत्रुघ्न जी सब आए, माताएं आए और खेल दिखाया। जब कोई आएगा और डंडा चलाएगा तो कैसे बचेगा? तो हनुमान जी महाराज बंदर रूप में है, उछल छके दिखाते, ऐसे बचूंगा, ऐसे बचूंगा, ऐसे बचूंगा। खूब खेल दिखाया आधा घंटा, बाद में राम जी पीछे पड़ गए पिताजी के। पिताजी यहाँ ये बंदर में लूंगा। तो मदारी के रूप में थे भगवान शंकर, उनसे बोले तुमको जितना धन चाहिए आप ले लीजिए, ये बंदर हमारे राजकुमार को दे दीजिए। उसने कहा महाराज मैं मदारी हूँ, मेरी आजीविका है, इसी के द्वारा सब कुछ मेरा पालन पोषण होता है। और जितना चाहिए तुमको जिंदगी भर के लिए ले जाओ, लेकिन इनको ले दो। भगवान शंकर को रियाधारी बोले महाराज हम नहीं दे सकते। और राम जी ने रोना मचा दिया, मुझे वही बंदर थे। बोले दूसरा लगेंगे ना, वही चाहिए। अब हनुमान जी महाराज बड़े खुश हो रहे कि मेरे राम जी कितना प्यार करते मेरे को, मुझे यही तो चाहिए था। और भगवान शंकर कह रहे नहीं नहीं। हनुमान जी बोले भगवान शंकर से सुनो, हाँ तुम जाओ हमको छोड़ जाओ, इन्हीं को दे जाओ, तुम जाओ। भगवान शंकर बोले हम तो तुमको लेके आए। हनुमान जी बोले दर्शन हो गए आपको राम जी के? हाँ अब जाइए, हम यहीं रहेंगे। हनुमान शंकर भगवान बोलते मैं कुछ ऐसी युक्ति लगाऊंगा कि मुझे भी दर्शन होता रहे राम जी का, आना जाना बना रहे। तो बोले के
जी बोले क्या सेवा लेंगे? अरे प्रभु आप इसको फ्री में रख लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं 15 दिन में महीने भर में एक बार इसको देखने आ जाया करूं, ये स्वस्थ है कि नहीं। दशरथ जी बोले जब आपकी इच्छा जवाब, बोले हाँ तो रख लो। हनुमान जी से कहा देखो बन गया ना काम, कम से कम मैं भी राम जी दर्शन करने आया करूंगा। दशरथ जबकि हनुमान जी भी भगवान शंकर के स्वरूप हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो श्री हनुमत लाल जी महाराज बचपन से जानते हैं कि हाँ सेवा क्या होती है। ठाकुर जी को नृत्य करके सुना, नृत्य करके प्रसन्न करते महाराज। तो सेवा में कभी भी अभाव नहीं रखना चाहिए कि हाँ ये सेवा छोटी है, हम क्यों करें ना। सेवा मिले ठाकुर की कृपा से मिलती है, उस सेवा में पूर्ण मन से सेवा को अच्छी प्रकार करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे भगवान कोई भी लीला करते हैं नंबर वन का करते हैं, दो नंबर का नहीं करते। तो भगवान के भक्त हैं, उनके दास हैं, तो मालिक का कोई गुण तो जीवन में आना चाहिए, आता ही है, आप चाहो तो ना चाहो तो आ जाएगा। जिस इष्ट का चिंतन मनन चिंतन करते हैं उनके गुण आते ही आते हैं। और सच्चा शिष्य वही है जिसको देख के दूसरे वैष्णव कह रहे हैं अरे ये फलाने शिष्य लगते हैं, तो वो सच्चा शिष्य है। गुरु जी को याद करके कहें कि उनके शिष्य